रमजान में बातचीत थोड़ी करो, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। मेरे नबी रमजान में सारे वजीफे छोड़ देते थे, सिर्फ कुरान पढ़ते थे। सब वजीफे छोड़ देते सिर्फ कुरान पढ़ते थे, सुबह से शाम कुरान पढ़ते थे। अब मेरा दोस्त है मौली सनाउल्लाह, सुबह से शाम एक खत्म करता है, शुगर का मरीज है, एक खत्म रोजाना करता है, एक खत्म रोजाना। चलो तुम यही करो, हेक से पढ़ा तो रोज पढ़ लो, दो रोज पढ़ लो, अखबार देखना छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो, बस सिर्फ कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। कि सारा आसमानी इल्म रमजान में आया है। यकम रमजान इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे किताब आई, छोटी किताबें। दो रमजान मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात आई। छह रमजान दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर आई। अठारह रमजान ईसा अलैहिस्सलाम पे तौरात आई। इक्कीस रमजान या चौबीस रमजान मेरे नबी के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा। ये आसमानी इल्म का महीना है, ये आसमानी इल्म का महीना है। अपनी बच्चियों से, अपने बच्चों से, अपनी बेगमास से, अपनी माओ से कहो कि बस कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। मेरे नबी मुस्तकिल, और रमजान में जिब्रील आकर अल्लाह के नबी के साथ कुरान का दौर किया करते थे। जिब्रील भी आते कुरान पढ़ जाए, मेरे नबी को सुनाता था, फिर मेरे नबी जिब्रील को सुनाते थे। ये दोनों जिस रमजान के बाद आप दुनिया से गए, उस रमजान में जिब्रील ने दो दफा दौर किया, दो दफा कुरान सुनाया और सुना, सुनाया और सुना। दो दफा मेरे नबी ने सुनाया, दो दफा जिब्रील ने सुनाया। तो ये रमजान कुरान का महीना है, वे कुरान पढ़ेंगे। और थोड़ा सा तर्जमा पढ़ लो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ लो। रमजान में बातचीत थोड़ी करो, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो कुरान।